नमस्कार स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 5.3 का आज आठवां दिन है ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में। तो उसका 5.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 7 क्लास दे चुका हूँ, तो 7 क्लास में क्या सारा चीज़ होता, फार्मूला वगैरह सारा चीज़ क्या होता मैं पीछे का वीडियो में बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन भी क्या है, जो क्वेश्चन स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है बनाने में समझने में, खास करके वही सब क्वेश्चन में निकालते हैं। तो आज का जो है क्वेश्चन है कि अब किसी एक ही के प्रथम 7 पदों का योग अगर 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। द इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 है ना 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो बोलता है कि जैसे कि 2 7वां पदों का योग दिया है 49 और 1 17वां पदों का योग दिया है 289, और उसमें बोलता है कि एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एन पदों का योग निकालने के लिए हमें ए डी का मान ब्लू हमें पता होना चाहिए, जबकि एन का फिर यहाँ सिर्फ एन ही निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये नहीं कि 10वां पदों का योग के बाद n बराबर 10 लेते थे, यहाँ सिर्फ n ही बोल रहा है, तो n की जगह पे n ही हम रख देंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि सिर्फ 7वां पद यानी कि लिखते हैं हम लोग a7 बराबर है ना s7 बराबर, क्योंकि योग की चर्चा कर रहा है तो s सॉल्व जब करेंगे तो s7 बराबर 49 और ये क्या है s17 बराबर 289। हम लोग जानते हैं कि n का वैल्यू यहाँ क्या है, एक n बराबर 7 है और यहाँ n बराबर 17 है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हमें क्या होगा, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी स्क्वायर टू 49, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 7/2, ठीक है, और 2a 7 में एक जाएगा 6 इंटू 6b इसका 49। अब इसमें क्या करना है, ये 7 से 7 टाइम में कट जाएगा, 7 से 49 7 बार में इधर कट जाएगा, 9 में इधर है ना। तो और यहाँ बचा 1/2, यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 3d। तो 1 प्लस 3d बचा बराबर 7, ये टू खत्म हो गया, तो ए प्लस 3d बराबर 7 आ गए, इसको इक्वेशन हम लोग वन मान लेंगे, ठीक। इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ इसका फार्मूला s17 इसको भी इतना तो n का वैल्यू 17/2 इंटू 2a प्लस 17, n की जगह पे 17 रख देंगे, घटाए 1 इंटू डी, डी का मान तो पता नहीं है, और बराबर 289, ठीक है। तो ये 17 से जो ये 289 है ना, 289 17 बार में कट जाता है, 17 से 289 17 बार में। अब लिखिए 1/2 है ना, यहाँ 2a प्लस ये कॉमन करेंगे कितना आएगा 16d, ठीक है, कितना आएगा 16d और यहाँ बराबर 17। तो 1/2 यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ a प्लस 8d बराबर 17 बचेगा, ये टू खत्म हो गया, यानी कि a प्लस 8d बराबर 17 इक्वेशन 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जब घटाएंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 में जब 2 को घटाएंगे तो यानी कि इक्वेशन 1 समीकरण 1 घटा 2 करने पर है ना, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 जो है 1 प्लस 3d बराबर 7, इक्वेशन 2 है 1 प्लस 8d बराबर 17। तो घटाने का मतलब जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, घटा रहे हैं, ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 3 और प्लस माइनस 8 तो माइनस 5d और यहाँ पे प्लस 7 और माइनस 17 तो माइनस 10, ये माइनस खत्म, 5 से 10 2 बार में यानी कि डी बराबर कितना मेरा निकल गया, तो निकल गया डी का वैल्यू। तो अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में आप किसी में भी रख दीजिए, उसका वैल्यू ए का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं,
है ना, बी का मान समीकरण एक में रखने है। तो इक्वेशन वन में अगर डी का वैल्यू पुट करते हैं तो ए का मान निकलेगा। इक्वेशन वन क्या है मेरा, ए प्लस 3b = 7। चलिए ए प्लस डी का वैल्यू कितना मेरा निकल रहा है, 2 है। तो 3 × 2 = 7, यानी कि a × 6 = 7। यानी कि a = 7 - 6, यानी कि ए का वैल्यू 1 मेरा निकल गया। ए का वैल्यू कितना निकला, ए का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, n-वां पदों का योग है ना, प्रथम n पदों का योग का सूत्र क्या होता है ना, जैसे कि Sn = n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो n है, n पदों का सिर्फ बोल रहा है, कोई पांचवा दसवां बीसवां पद नहीं बोल रहा, सिर्फ n-वां पद, यानी कि n के जगह पे सिर्फ n ही रह जाएगा। तो n/2 × 2 a का वैल्यू कितना है, 1 प्लस n-1 × d, d का वैल्यू कितना है, 2, d का वैल्यू 2। चलिए तो n/2 2 × 1 = 2, 2 × n = 2n, 2 × 1 = 2। ठीक है, -2 ये प्लस, ये माइनस प्लस खत्म हो गया। n/2 × 2n है, ये टू खत्म हो गया, ये टू ही दोनों टू क्या हो गया, खत्म हो गया। बचा क्या, n गुना n बराबर क्या हो जाता है, n² यानी कि n-वां पदों का योग कितना मेरा आ गया, n² तो इसका आंसर जो है n² होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन को भी देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, सॉ डेट a1 a2 a n है ना, फ्रॉम एन ए पी वेर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो, यानी कि इसका दिया है कि, और बोला ए एन का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 3 + 4n, और दूसरा में दिया ए एन बराबर 9 - 5n, यानी कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी कि प्रत्येक स्थिति में बोल रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a n से एक ap बनती है, ये भी सिद्ध करना है, बताना हम लोगों को। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो 7 ही 15 पदों का योग क्या करना है, ज्ञात कर प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक का। तो देख लेते हैं, तो यहाँ a सॉल्व करेंगे, तो यहाँ की an बराबर दिया है, तो ए एन दिया, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, a1 a2 a3 ऐसे निकालना है, यानी देखना है कि ए पी है या नहीं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, एन बराबर हम लोग सबसे पहले ले लेंगे 1 2 और 3 4, ऐसे करते करते डॉट चेक करेंगे एन का वैल्यू। तो सबसे पहले देखेंगे ए वन, जब निकालेंगे हम लोग ए वन, तो ए वन के लिए क्या है, जैसे कि ए एन का फॉर्मूला है ना, ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन बराबर क्या दिया, 3 + 4n। तो अगर हम यहाँ n का वैल्यू 1 लेते हैं, n का वैल्यू क्या लेते हैं, 1, n = 1, तो 3 + 4 × 1 तो कितना निकल गया, 3 और 4 × 4 तो कितना मेरा हो गया, 7। इसी प्रकार ए टू जब लेंगे, n का वैल्यू 2 लेंगे, तो 3 + 4 × 2 तो क्या हो गया, 4 3, और 4 × 2 = 8, टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। फिर ए थ्री लेंगे, तो 3 + 4 × 3 है ना, तो कितना हो गया, 3 और 4 = 12, तो कितना हो गया, 15। अब चेक क्या करना है हम लोगों को, कि ये ए बी में है या नहीं, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी का मान आगे की टर्म में, यानी कि आगे के टर्म में पीछे घटाते हैं, यानी कि ए डी वन अगर निकालेंगे तो a2 - a1, ए टू का वैल्यू कितना है, 11 - 7 = 4। डी टू निकालते हैं तो a3 - a2, तो a3 कितना, 15 - 11 = 4। यानी कि ये कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कि डी का मान 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, कि ये ए पी में है, क्या है, ये ए पी है, यानी कि यह ए पी है। तो ए पी का इसका जो टर्म क्या होगा, 7
7, 11, 15 ऐसे करते करते, यानी कि ये एपी है। अब एपी रहने के साथ साथ बोल रहा है कि इसका जो है 15 पदों का योग ज्ञात करने बोल रहा है, 15 पदों का योग। तो इसमें ए बराबर मेरा क्या है, ए बराबर 7 है, और बी बराबर कितना मेरा निकला था, 4 निकला था, 4 निकला, और एन बराबर 15 पद का बोल रहा है, तो एन बराबर 15 है। तो हम लोग को निकालना है S15 =, यानी कि S15 का मान निकालना है। तो S15 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S15 बराबर, तो जैसे कि होता है एनवा पदों का जब योग निकालते हैं, तो N/2 × 2a + n, ये जो फॉर्मूला पीछे भी बता चुके हैं, यानी कि क्या करेंगे इसमें, S15 = n/2, n का वैल्यू 15/2 × 2a, a का वैल्यू कितना 7 + n, चलिए फॉर्मूला ही लिख देते हैं, जैसे कि S(n)(n/2)(n-1)(d), चलिए जहाँ n का वैल्यू 15 15 लिख दें, 15/2 × 2, a का वैल्यू 7 + n का वैल्यू 15 घटाए d का वैल्यू 4, इसको सॉल्व करेंगे 15/2 7 × 14, 15 में 1 = 14, 14 × 6 = 4, 14 = 56, तो 15/2 दोनों जोड़ेंगे 70, कितना आएगा 70 × 2 से कटाएंगे कितने बार में, 35 बार में, यानी कि 15 × 35, 15 × 35 कर लीजिए आप, उसे 35 × 15 करेंगे, और 25 25 के 5 हाथ में 2 कर दिया 15, और 5 × 2 = 22 हाथ में 2, 3 × 3 = 5 5 = 25, यानी कि क्वेश्चन एक का, ये एक का सॉल्व हुआ। इसी प्रकार आप दो का भी निकाल सकते हैं, एक एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 निकाल ले सकते हैं, फिर ऐसे ही a1 a2 a3 निकालना है आपको, फिर डी निकाल के देखना है क्या ये ए पी में है कि नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंट यानी कि डी सर्वांतर अगर बराबर होता है तो वो ए पी में होगा, तो वो ए पी हम लोग लिख लेंगे, फिर ए का मान कितना है, डी का मान कितना है, एन का मान 15 पदों का योग ज्ञात करने बोल रहा है, एन का वैल्यू 15 है, तो S15 का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n-n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, what is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term and tenth term. इसमें क्वेश्चन ये बोलता है कि प्रथम n पदों का योग आपका दिया है कि n 4n-n² और आपको निकालना a1 यानी कि S1, a1 बोलिएगा तो यानी कि पहला पदों का योग तो वही होगा, है ना, तो यानी कि उससे हम लोग क्या निकालेंगे S1, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि दो पदों का योग निकालना है, यानी कि दो पदों का योग निकालना है, यानी कि पहला पद और दूसरा पदों का योग निकालेंगे, यानी कि S2 निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपकी बोलता है कि दूसरा पद भी निकालिए, फिर बोलता है तीसरा पद निकालिए, फिर बोलता है ना कौन सा पद निकालना है, दसवां पद यानी कि A10 निकालना है बोलता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे कि निकालते हैं हम लोग S1, यानी कि यहाँ हम लोग ले लेंगे n=1 ले लिए, चलिए n = क्या ले लिए, 1 ले लिए, तो n = 1 नहीं है, यानी कि a1 जब निकालेंगे, यानी कि a1 = s1, तो क्या होगा कि s1 का वैल्यू क्या है मेरा, n पदों का योग क्या है 4n-n², यानी कि n का वैल्यू यहाँ क्या है मेरा 1 है, तो 4 × 1 - n 1² 4 × 1 = 4 + 1 = 1, यानी कि 3, यानी कि S1 का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब हमको बोलता है कि S2 निकालें, तो S2 यानी प्रथम दो पदों का योग निकालने बोल रहा है, प्रथम दो पद का जब योग निकालेंगे तो पहला पद और दूसरा पद को जोड़ेंगे तब मेरा निकलेगा S2 का वैल्यू, यानी कि हाँ चलिए, यानी कि a1 + a2 का जब मान निकालेंगे, यानी कि S2 बराबर हो जाएगा, a1 + a2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा S2,
एस टू जब मान निकालेंगे क्या हो जाएगा मेरा, एन की जगह पे क्या रखाएगा, एन की जगह पे ये एन बराबर टू है, ये क्या है, ये एन बराबर कितना है, टू है, एन बराबर टू है, तो 4 × 2 − 2² तो 2 × 4 = 8, और 2 × 2 = 2, तो 2 × 2 = सॉरी 2 × 4 = 8 और इसका 2 × 2 = 4, तो आया कितना 4, यानी कि a1 + a2 = 4, यानी कि h2 = कितना आ गया मेरा, 4 आ गया, यानी कि दो पदों का योग मेरा कितना निकल गया, 4, प्रथम दो पदों का योग कितना निकला, 4, फिर मेरा प्रथम s1 कितना निकला, 3, एक आंसर आपका ये होगा, एक आंसर ये होगा। अब कितनी बोल रहा है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो दूसरा पद जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो a1 + a2 = कितना निकला था मेरा, 4 निकला था, और आपको पता है ना, आपको ये पता होगा कि a1 का वैल्यू कितना है मेरा, s1 बोलिए या a1 बोलिए, कितना है मेरा, 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, प्लस a2 = 4। अब चलिए a2 निकालेंगे तो 4, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि a2 = 1 आया, यानी कि मेरा दूसरा पद कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि सेकेंड टर्म भी मेरा कितना निकला, 1 निकला। इसमें एक आंसर ये होगा आपका, एक आंसर ये होगा, और ये एक आंसर होगा। अब फिर क्या बोल रहा है आपको कि आप तीसरा टर्म ज्ञात कीजिए, तो आप पढ़े होंगे कि a3 = पढ़े होंगे a3 = a+2d, तो आपको यहाँ लेकिन डी का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले देखिए a1 का वैल्यू आपको पता है ना, 3 है, a1 और a2 डॉट डॉट, यानी कि a1 का मान 3 और a, तो इससे एक ap निकल जाएगा, a1 का वैल्यू कितना, 3 ap, में इसको ap ले लेंगे, a1 का मान 3, a2 का वैल्यू कितना मेरा, 1, तो ऐसे करते तो यहाँ a1 मेरा है और ये क्या है मेरा, a2 है, तो d का जब मान निकालेंगे तो a2 - a1 हो जाएगा, तो a2 में क्या, a2 कितना है, 1, और a1 कितना है, 3, तो घटाएंगे कितना आएगा, -2, यानी कि d का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, d का वैल्यू मेरा -2, तो हमको तीसरा पद निकालने बोलता है, तो a3 जब निकालेंगे तो a+2d लिखेंगे, a+2d लिखेंगे, तो a का वैल्यू कितना है मेरा, सबसे पहले देख लीजिए 3 और 2 इंटू d का वैल्यू -2, अब देखिए 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो -1 आया। अब चलिए इसका -1, a3 का वैल्यू -1। अब ऐसे ही अगर हमको दसवां टर्म निकालने बोले तो a10 = क्या करेंगे, a+9d, a+9d, तो a का 3 और 9 इंटू d का वैल्यू आपको कितना पता है, 2 है, तो -2 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 9 × 2 = 18, यानी कि कितना आया, -15 आया, ठीक है। तो आपका कितना आंसर, इसमें कैठो आंसर पूछा कि सबसे पहले पहला पदों का योग निकालिए, ठीक है, फिर बोलता है दो पद, प्रथम दो पदों का योग निकालिए, फिर बोलता है दूसरा पद, तीसरा पद और दसवां पद निकालने बोला, तो वही हम किए कि पहला पद मेरा 3 आया और दो पदों का, ये प्रथम दो पदों का, यानी कि h2 = मेरा 4 आया, ये भी निकल गया। दूसरा पद निकालने के लिए क्या किए हम लोग, पहला पद और दूसरा पदों का योग मेरा 4 आया था, पहला पद का वैल्यू रख दिए, दूसरा पद का मेरा क्या निकल गया, यहाँ 1 आ गया, यानी कि ये दूसरा पद, ये भी एक आंसर आपका होगा। फिर बोलता है आपको तो दो टर्म निकला, तो तीसरा भी टर्म आप निकाल सकते थे, लेकिन दो ही टर्म में जानने की मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो तीसरा टर्म लेने की जरूरी जरूरत नहीं है, आप लेके भी देख सकते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं दो टर्म में कैसे आप पता कर सकते हैं ये है या नहीं है, तो आप आगे भी लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले ये डी का मान निकाल के देखे, डी का मान मेरा कितना आया, -2 आया, और -2 जो ए थ्री का मान होता है, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a3 = a+2d होता है, तो डी का मान पुट कर दिए तो a3 का मान निकल गया, एक आंसर आपका ये भी होगा। उसी प्रकार a10 का जो वैल्यू होता है वो सूत्र होता है a+9d, है ना, यानी कि उस पर भी डी मान रखें, ये मेरा निकल गया। फिर आंसर इस क्वेश्चन में आया 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 क्वेश्चन एक ही, मतलब 5 को बनाना होता क्वेश्चन में, 5 आंसर इसमें आएगा, 5 क्वेश्चन दिया एक ही।
प्रश्न में। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो आपको कल तक सेंड करेंगे। थैंक यू।